मॉर्निंग वेस्टीजियंस, आप सभी का स्वागत है आज की स्पेशल ई ट्रेनिंग में, जिसका टॉपिक है हेल्थ एंड हाइजीन पावर्ड बाय अशोर्ट्स। हेल्थ और हाइजीन दोनों ही आपस में जुड़े हुए हैं। स्वच्छता के बिना सेहत संभव नहीं है। स्वास्थ्य की परिभाषा WHO देता है और कहता है कि शरीर में रोगों का ना होना ही स्वास्थ्य नहीं है। स्वस्थ वही व्यक्ति है जो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और साथ ही साथ सामाजिक तौर पे स्वस्थ है। सेहतमंद रहने के लिए न केवल शरीर का स्वस्थ होना आवश्यक है, बल्कि माइंड का भी प्रॉपर फंक्शन करना भी जरूरी है। इनप्रॉपर डाइट, इंजरी, मेंटल स्ट्रेस, लैक ऑफ हाइजीन और अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से हमारी सेहत खराब हो सकती है। सेहतमंद रहने के लिए जरूरी है, सेहतमंद रहना हमारे लिए जरूरी है रोगों से लड़ने के लिए, एनर्जी को बेहतर करने के लिए, हेल्दी वेट को मेंटेन करने के लिए, प्रोडक्टिविटी को बेहतर करने के लिए और साथ ही साथ एंड्योरेंस को भी इंक्रीज करने के लिए। लेकिन अगर पुअर हाइजीन है तो ये सारी चीजें खराब हो सकती हैं। हाइजीन की अगर हम बात करें तो स्वच्छता में वो सारी चीजें आती हैं, वो सारी अच्छी आदतें जो हमें सेहतमंद रखने में मदद करती हैं, हमारे शरीर को स्वस्थ रखती हैं। अगर हम प्रॉपर हाइजीन को मेंटेन करते हैं तो ये गुड हेल्थ के साथ साथ हमारे कॉन्फिडेंस और सेल्फ स्टीम को भी बेहतर करती है। इम्पोर्टेंस ऑफ हाइजीन की बात करें तो जिस हिसाब के हेल्थ रिस्क पर इस समय है, हाइजीन को मेंटेन करना अति आवश्यक है। हाइजीन की आदत हमें बच्चों में अर्ली एज से भी डालनी चाहिए। हाइजीन न केवल हमारे शरीर तक सीमित रहना चाहिए, बल्कि हमारे आसपास के सराउंडिंग्स को भी हमें स्वच्छ रखना चाहिए। द इम्पोर्टेंस ऑफ गुड हाइजीन इंक्लूड्स स्किन को बेहतर करता है, आपके हेल्दी पर्सनल रिलेशनशिप को बेहतर करता है, इलनेस और अदर हेल्थ इश्यूज से बचाता है, साथ ही साथ बेटर सेल्फ स्टीम को भी प्रमोट करता है। टाइप्स ऑफ हाइजीन की बात करें तो इसमें ओरल हाइजीन, बाथिंग रिचुअल, हेयर केयर, फुट हाइजीन, टॉयलेटिंग हाइजीन, हैंड हाइजीन, कफिंग एंड स्नीजिंग हाइजीन और होम हाइजीन आते हैं। फूड हाइजीन भी अति आवश्यक है। खाने को प्रॉपरली चेक करना, क्लीन करना, सेपरेट करना, कुक करना, चिल करना और थ्रो अवे, ये सारी चीजें आपके फूड हाइजीन में आती हैं। COVID-19 के दौरान सेहत और स्वच्छता दोनों ही अति आवश्यक हो जाते हैं। हाथों को बार बार धुलिए, कम से कम 20 सेकेंड के लिए। अगर साबुन और पानी मौजूद नहीं है तो आप हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। खांसते वक्त, छींकते वक्त टिश्यूज का इस्तेमाल जरूर करिए और अपने हाथों को बेंड कर सकते हैं। इसके साथ साथ आंखों को, नाक को और मुंह को बार बार अनवॉश हैंड से छूने से बचिए। टिश्यूज को प्रॉपरली डिस्कार्ड करिए वेस्ट बास्केट में और अपने हाथों को प्रॉपरली उसके बाद वॉश करिए। फेस मास्क का इस्तेमाल करिए और साथ ही साथ जो सरफेस बार बार टच हो रहा है उसे क्लीनर से प्रॉपरली वॉश करिए। इसके साथ साथ हाथों को फ्रीक्वेंटली वॉश करना जरूरी है और हाथों को प्रॉपरली क्लीन करिए, आगे से, पीछे से, हाथों के बीच में। फ्रीक्वेंट हैंड वॉश इज इम्पॉर्टेंट टू स्टे अवे फ्रॉम इन्फेक्शन। इसमें आपकी मदद कर सकता है प्रोडक्ट्स एश्योर सोप, एश्योर हैंड वॉश का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक जरूरी सूचना, वी आर ऑफरिंग फ्री शिपिंग ऑन ऑनलाइन शॉपिंग ऑफ 1600 एंड अबव टिल लॉकडाउन लास्ट। कंटिन्यू परचेजिंग योर फेवरेट वेस्टीज एंड बीपीडी प्रोडक्ट थ्रू ऐप और थ्रू वेबसाइट। थैंक यू सो मच। स्टे सेफ, स्टे ट्रेन, विश यू वेल। प्लीज शेयर दिस ट्यूटोरियल विद ऑल योर टीम मेंबर्स नाउ एंड बिल्ड अ चेन ऑफ लर्निंग फ्रॉम होम।